रीम अल्लाम वेलकम टू क्लास क्लासिक्स आज हम इस्लामिया की किताब का सबक नंबर तीन अजान फज़ीलत और अहमियत का पैराग्राफ नंबर तीन जो कि सफ़ा नंबर बारह पर मौजूद है पढ़ेंगे मुसलमानों की ज़िंदगी में अजान को ख़ास अहमियत हासिल है दुनिया में मौजूद मज़ाहब में इबादत के लिए बुलाने के मुख्त तरीक़े हैं जबकि मुसलमानों का तरीक़ा अजान मुनफरद और यकता है यानी मुख्त में मुख्तिक तरीक़े से इबादत के लिए बुलाया जाता है जबकि मुसलमानों के दीन में दीन इस्लाम में मुसलमानों को नमाज़ के लिए बुलाने का तरीक़ा दिन में पाँच दफ़ा अजान दी जाती है और मुसलमानों को नमाज के लिए बुलाया जाता है ये तरीका अजान सबसे ज़्यादा मुख्तलफ़ और अलग है अजान से अल्लाह ताली की बुजुर्गी वाजह होती है और अजान में इस बात की भी वजाहत होती है कि अल्लाह ताली ही हर चीज़ का खालिक और मालिक है और हर चीज़ पर कादिर है उसके रसूल सी नबूत की शहादत मिलती है और अजान में इस बात का भी इकरार किया जाता है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु सल वसल्लम ही अल्लाह के आख़री रसूल और नबी हैं नीज़ इंसानों को इसकी फला कामयाबी का पैगाम दिया जाता है और अज़ान में इंसानों को इस बात का भी पैग़ाम दिया जाता है कि अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने के लिए नमाज़ पढ़ना ज़रूरी है और इसी तरह ही इंसान कामयाबी और कामयाबी कामयाबी और कामरानी हासिल करेगा हर मुसलमान को चाहिए कि जो ही वो अजान के अलफा सुने तो उन अल्फाज को मोज़न के साथ साथ हल्की आवाज़ में दोहराए यानी कि मुसलमानों को चाहिए कि जो ही अजान दी जाए उन्हें अज़ान की आवाज़ आए तो वो मौज़न यानी अजान देने वाले के साथ वो अल्फा दिल में हल्की आवाज़ में पढ़ते जाएँ मौज़न को इस्लामी माशरे में बुलंद मुक़ाम हासिल है मौज़न यानी अजान देने वाले को इस्लामी माशरे में बलंद मुकाम यानी ऊंचा मकाम हासिल है हज़रत बलार रजील तह मौज़न रसूल थे हजरत बलार रजी तहों को मौजन रसूल इसलिए कहा जाता है क्योंकि खुद हजर सल्ह वसम ने हज़रत बलार रजील्ला तह का इंतबाब किया अजान देने के लिए सबसे पहले अज़ान देने के लिए किसको को किया गया हज़रत बुलार रजी तहों को और उसका इंतखा किसने किया ख़ुद हजर सल वसम ने इस वजह से आपको मज़न रसूल कहा जाता है इसलिए बड़े बड़े सहाबा कराम रजी तन उनको सैदना बलार रजी तन यानी हमारे सरदार बुलार रजी तैा कह कर करते थे मुखातब करते थे यानि बुलाते थे हमारे सरदार उनको अपना सरदार कह कर थे क्योंकि वह सबसे पहले इस्लाम के पहले मौज़न कौन है हज़रत बल्ल रज़ी उसी इसी वजह से बड़े बड़े सहाबा कराम भी उनको अपना सरदार पुकारते थे रसूल सल्हे वसम ने अज़ान की फजीलत बयान करते हुए फरमाला फरमाया अमुजिन अतवल नासी नाकन योम क्यामा क़्यामत के रोज़ अजान देने वाले वालों की गर्दने तमाम लोगों से ज़्यादा बुलंद होंगी यानी ये अजान की फजीलत है कि जो लोग अजान देते हैं अल्लाह उनकी गर्दने आम लोगों से ज़्यादा बुलंद करेंगे ये एक बहुत बड़ी शान की बात है ये एक बहुत बड़ी इज्ज़त की बात है और ये एक बहुत ही फ़खर की बात है कि क़यामत के दिन अजान देने वाले का सर फ़खर से बुलंद होगा तो गोया अल्लाह त्यामत के दिन उन लोगों को ऊँचा मुकाम देंगे ऊँचा मुकाम अता फ़रमाएंगे अबूर रज़िया तौर ने बयान करते हैं कि उसम ने फरमाया अज़ान की वजह से मोज़न की मगफ़िलत कर दी जाएगी मोज़न यानी अजान देने वाले की मफफ़रत यानी बख्शिश यानी कि इससे बड़ी अजान की फजीलत और क्या होगी कि अज़ान जो शख्स अजान देता है क़्यामत के रोज़ की बख्शिश कर दी जाएगी उसके तमाम गुना माफ़ कर दिए जाएंगे उसू सल्ल वल्ल वम का ये भी अर्शाद है कि अगर ये मालूम हो जाए कि अजान देने और पहली सफ़ में नमाज़ पढ़ने का कितना स्वाब है तो हर शख्स आगे बढ़ने की कोशिश करे हती के फ़ैसला करने के लिए कूड़ा डालना पड़े कूड़ा डालना पड़े यानी कुरानदाज़ी करना पड़े पर्चियाँ डालनी पड़े कि जिसका नाम आएगा वही अजान देगा यानी इतने ज़्यादा लोग अजान के लिए अगर लोगों को अजान की फजीलत और अजान की अहमियत का पता चले कि अजान देने का कितना बड़ा अजर है और कितना बड़ा सुवाब है तो क़ुरानदाज़ी करनी पड़े लोगों के नाम की पर्चियाँ डालनी पड़े जिसका नाम निकले वो अजान दे इतने ज़्यादा तादाद में लोग इकट्ठे हो जाएं एक सच्चा मुसलमान जब अजान की आवाज़ सुनता है तो वो फ़ौर अपना आराम और काम काज मस्जिद जाने को तैयार हो जाता है जब बार बार उसके कानों में अपने रब का ये पैगाम पहुँचता है तो उसका ईमान मजबूत हो जाता है यानी मज़बूत बहुत ज़्यादा मज़बूत उसके दिल में अपने रब की अज़मत हमेशा के लिए बस जाती है उसे यकीन हो जाता है कि उसकी फलाह नमाज की अदायगी में ही है यानी कि उसे यकीन हो जाता है उसकी कामयाबी नमाज की अदायगी में ही है यानी इस पैराग्राफ में हमें एक सच्चे मुसलमान का बताया गया है कि जब उसके कानों में अजान की आवाज़ बार बार आती है तो वह अपने काम काज छोड़ कर नमाज के लिए चला जाता है और जब अजान के जरिए उसके कानों में अपने रब का पैगाम बार बार सुन सुनता है तो उसका ईमान और ज़्यादा मजबूत हो जाता है और उसके दिल में अपने रब की अजमत हमेशा के लिए बस जाती है और उसे इस बात का इल्म हो जाता है कि उसकी कामयाबी नमाज की अदा करने में ही है और अल्लाह की इबादत करने में ही है अजान के फजाइल यानी अजान की क्या फजीलत है और क्या अहमियत है अजान की आवाज़ इंसान के दिल में अल्लाह ताला अल्ला की बड़ाई का ख्याल पैदा करती है यानी इससे अल्लाह ताला की बड़ाई यानी अल्लाह ताला की अजमत पैदा होती है अजान के अल्फाज से अजान सुनते ही इंसान दुनियावी कामों को छोड़ देता है घोया दुनिया के बजाय दीन से रगबत पैदा होती है रगबत यानी लगाओ जहाँ तक अजान की आवाज़ पहुँचती है शैतान वहाँ से भाग जाता है अजान देने वाले मुकाम पर अल्लाह ताला की रहमत नाजिल होती है अजान इंसान में वक्त की पबंदी का ख्याल पैदा करती है वक्त की पबंदी का ख़्याल कैसे पैदा करती है इंसान यानी कि आपने देखा होगा मुकर वक्त पर अजान दी जाती है और मकर हर नमाज का मुकर्र वक्त होता है जब इंसान बाकायदगी से नमाज पढ़ता है अज़ान सुनता है तो उसमें खुद बुद्द वक्त की पबंदी की आदत पैदा हो जाती है अजान मुसलमानों में एताद व इतफ़ाक की दावत है एतादो इतफाक़ की दावत कैसे है कि जब अजान दी जाती है तो सब लोग इकट्ठे मस्जिद में इकट्ठे होते हैं और साथ मिलकर नमाज पढ़ते हैं इससे मुसलमानों में एताद इतफाक़ यानी आपस में साथ मिलजुल कर रहने की आदत पैदा होती है अजान की आवाज़ जहाँ तक पहुँचती है वहाँ तक मौजूद वहाँ तक मौजूद हर चीज़ की अजान देने वाले के हक में गवाही देगी मोजन पर अल्लाह ताला की रहमत नाजिल होती है यानी मोज़्न अजान देने वाले पर अल्लाह ताला क़यामत के रोज़ मौज़्न की इज़्ज़त अफज़ाई फरमाएंगे मौज़्न की इज़्ज़त अफज़ाई कैसे फ़रमाई जाएगी ऐसे फ़रमाई जाएगी कि मौज़्न की, की गर्दने आम लोगों से ऊँची होंगी यानि उसका सर फ़खर से बुलंद होगा उसकी मखफ़िलत कर दी जाएगी हजूर सल व्म अजान की आवाज़ सुनकर इसका जवाब देने वाले की शफात फरमाएँगे Shukriya Allah Hafiz